अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ओप्पो के F19 प्रो को। ये ओप्पो की एफ सीरीज़ का लेटेस्ट फ़ोन है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, और ये उसका प्रो वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और अगर बॉक्स के हम बैक पे देखें तो इस पे इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन है, जिसमें ये डुअल व्यू वीडियो, AI कलर पोर्ट्रेट, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग। और रैम रोम वेरिएंट को मेंशन किया गया है, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, और कलर मेंशन है फ्लोर ब्लैक कलर। बॉक्स काफ़ी प्रीमियम किस्म का डिज़ाइन किया गया है, और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले ये लिड मिलता है, उसके अंदर कुछ पेपर वर्क है और साथ में एक सिलिकॉन केस है। और अगर फर्दर इन द बॉक्स हम देखें तो हमारी डिवाइस आ जाती है, इसको हम साइड पर रखते हैं और आगे चलते हैं। आगे चल के देखें तो फ़ोन में, सबसे पहले फ़ोन के बॉक्स में एक 30 वाट का फास्ट चार्जर आ जाता है, जो कि अच्छी बात है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स 30 वाट का चार्जर मिलता है। उसके बाद एक ईयरफोन्स का पेयर आता है, जो कि 3.5 mm जैक वाले ईयरफोन हैं। उसके साथ ही हमारी USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आ जाती है। तो ये थे बॉक्स कंटेंट्स। बॉक्स में काफ़ी सामान हमें आउट ऑफ द बॉक्स ही मिल चुका है। और अगर फ़ोन के ऊपर देखें तो वही स्पेक्स मेंशन है इसके रैप के ऊपर, इस रैप को हटाते हैं और बात करते हैं इसके बिल्ट और डिज़ाइन की। तो बैक पे फ़ोन के बैक पे ये डुअल टोन फिनिश आती है कलर की, और फ़ोन हाथ में होल्ड करने के लिए भी काफ़ी हल्का महसूस होता है। फ़ोन का वेट अराउंड 172 ग्राम है, और वैसे भी फ़ोन का जो साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और अच्छा साइज़ है। अगर बात करें फ़ोन की थिकनेस की, तो फ़ोन की थिकनेस 7.8 mm है। और आगे चल के पोर्ट्स और बटन्स की बात करें तो नीचे की तरफ एक 3.5 mm जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, राइट साइड पे हमारा पावर बटन आता है, ऊपर की तरफ एक नॉइस कैंसिलेशन माइक भी मौजूद है, और लेफ़्ट साइड पे वॉल्यूम कीज और इसकी सिम ट्रे आ जाती है, जो कि एक फुल फ्लैज सिम स्लॉट है, जिसमें 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप लगा सकते हैं। और आगे चल के बात करें फ़ोन के बायोमेट्रिक्स की, फिंगरप्रिंट और फेस आईडी की, तो फ़ोन की फेस आईडी और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही काफ़ी ठीक ठाक स्पीड में काम कर रहे हैं। और फ़ोन टर्न ऑन करते ही सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है, फुल HD AMOLED डिस्प्ले है। फ़ोन में सिंगल स्पीकर आता है, जो कि बॉटम फायरिंग है। और अगर फ़ोन के डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080p डिस्प्ले आता है फ़ोन में, और इस डिस्प्ले की अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 800 निट्स है। और फ़ोन की जो स्क्रीन है वो काफ़ी ब्राइट है, इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला नहीं। और फ़ोन के डिस्प्ले में ये साइड पे एक पंच होल कटआउट आता है, और जिसका जो कटआउट है वो काफ़ी छोटा है, नीचे चिन थोड़ी सी बड़ी है, स्लाइटली ऑन द लार्जर साइड बट नॉट वेरी बिग, और साइड्स के बेजल काफ़ी छोटे हैं। फ़ोन के अंदर AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट और अच्छे आते हैं, और वीडियोस, अगर आप वीडियोस कंज्यूम करते हैं तो ये आप फ़ोन आपको काफ़ी मज़ा देने वाला है। और अगर बात करूं इसके रिफ्रेश रेट की, तो फ़ोन में एक 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आता है। फ़ोन के डिस्प्ले का साइज़ 6.43 इंचज़ है। आगे चल के बात करें अगर इसके कैमराज की, तो फ़ोन के बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप आता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आता है। और इसका जो डिज़ाइन है वो
इन्होंने पिछले ओप्पो के F17 प्रो से काफ़ी चेंज कर दिया है, और इधर AI और 48 मेगापिक्सल कैमरा की ब्रांडिंग की गई है, और फ्लैश लाइट वर्टिकल शेप में आती है। कैमरा ऐप की अगर बात करें तो ये कैमरा ऐप फीचर से भरपूर है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा फीचर है जो आप मिस करेंगे। फ़ोन के बैक कैमरा की वीडियो की अगर बात करें तो इसमें 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी आती है। फ़ोन में नाइट मोड की सहूलत भी मौजूद है, और स्लो मोशन वगैरह तमाम ऑप्शन आते हैं, और साथ में इसमें एक ये डुअल व्यू वीडियो भी आती है। और ओप्पो की जनरली एफ सीरीज़ होती ही कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है, इसमें इनका जो मेन टारगेट होता है वो कैमराज ही होते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करूँ तो नो डाउट कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है इस फ़ोन की। आपको स्क्रीन पे कुछ सैंपल्स शो हो रहे होंगे, आप देख के बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो इसमें एक एक्स्ट्रा HD करके एक आता है फीचर कैमरा में, अगर उसको आप इनेबल करेंगे तो फ़ोन के जो रेजोल्यूशन है पिक्चर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शार्पनेस और डिटेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद इट्स कैमरा। बाकी अगर बात करें फ़ोन के सॉफ्टवेयर की तो फ़ोन में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर फ़ोन के हम वर्जन की बात करें तो कलर OS 11.1 आता है। अगर फ़ोन की बैटरी की बात करें तो फ़ोन में एक 4310 mAh की बैटरी आती है, और अगर चार्जिंग की बात करें तो फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 30 वाट की। फ़ोन का बैटरी साइज़ काफ़ी एक अच्छा साइज़ है, ना ही बहुत छोटी बैटरी है और ना ही बैटरी साइज़ काफ़ी बड़ा है। बैटरी साइज़ छोटा होने की वजह से फ़ोन काफ़ी लाइट वेट और स्लिम है, जिसकी वजह से फ़ोन की हैंड फील काफ़ी अच्छी आती है। और अगर मैं बैटरी की टाइमिंग के आपके साथ आपको शेयर करूं तो ये अराउंड 1 दिन आपको इजीली निकाल देगा, और अगर आपको चार्ज करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो 30 वाट फास्ट चार्जिंग होने की वजह से काफ़ी तेज़ी से फ़ोन चार्ज होगा। और अगर बात करूं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की तो उस लिहाज से ये फ़ोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें जो चिपसेट आता है वो इस प्राइस रेंज के लिहाज से काफ़ी अंडर पावर है। अगर आप गेमर हैं तो फिर ये आप फ़ोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं, अदरवाइज़ ये फ़ोन उनके लिए है जिनको ओप्पो के कैमराज पसंद हैं। नो डाउट इसके कैमराज के सैंपल्स और कैमरा के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे इनमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल नज़र आई। और अगर आपको एक स्लिम और लाइट वेट सा फ़ोन चाहिए तो फिर भी ये फ़ोन आपके लिए रिकमेंडेड है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके क्या ओपिनियन है ओप्पो F19 प्रो के रिलेटेड।